हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल सीएससी मास्टर। आज के वीडियो सेशन में हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कैसे मैनेज करता है और इंटरफेस को कैसे प्रोवाइड करता है। ये वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन का थर्ड वीडियो लेक्चर है जो कि आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हम समझेंगे कि हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस हार्डवेयर। ओके, हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कैसे करता है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हार्डवेयर को मैनेज करना और कंट्रोल करना। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। तो जब ये हार्डवेयर को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमें क्या होगा, हार्डवेयर रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क स्पेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे हार्डवेयर रिसोर्सेस होते हैं, उन्हीं को मैनेज करना है, उन्हीं से हमें काम लेना है। जो भी आउटपुट रिजल्ट होते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग हार्डवेयर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मॉनिटर पर डिस्प्ले किए जाते हैं। बाय होम? बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इन एडिशन टू कम्युनिकेटिंग विद द हार्डवेयर, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ऑन एरर हैंडलिंग प्रोसीजर एंड डिस्प्ले एन एरर नोटिफिकेशन। अगर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में कोई एरर आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास प्रोसीजर अवेलेबल होता है, बहुत सारा तरीका वे अवेलेबल होता है उन एरर को हैंडल करने का। ठीक है, तो जैसा कि हम भी अपने कंप्यूटर में देखते हैं कि कभी कोई हार्डवेयर हम ऑपरेट करते हैं तो कुछ एरर मैसेज आता है, और एरर मैसेज के आसपास में लिखा होता है ट्रबल शूट। तो जैसे हम ट्रबल शूट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक उस एरर को चेक करता है और उसको ठीक कर देता है। ठीक है, तो अब देखिए, जो भी एरर्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, इसको अभी हमने नया जाना। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि है इफ डिवाइस नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। अगर हमारा कोई हार्डवेयर है अच्छे से नहीं फंक्शनिंग कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी बता देता है कि डैट हार्डवेयर इज नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग प्रॉपरली। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग इंटरफेस। तो दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है यूज़र को एक अट्रैक्टिव, एक बेहतर, एक कन्वीनिएंट इंटरफेस प्रोवाइड करना। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, जैसे मोबाइल का स्क्रीन जो हम देखते हैं, स्क्रीन पर हमें जो कुछ भी दिखता है उसको इंटरफेस हम कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बैक बटन होता है, रिसेंट बटन होता है, होम बटन होता है। ठीक है, उसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, उसको यूजर टच कर सकता है या यूजर माउस के हेल्प से क्लिक कर सकता है, उस पर यूजर रिजल्ट देख सकता है, उस पर यूजर कुछ इनपुट कर सकता है एक्सेट्रा, उसे हम लोग इंटरफेस कहते हैं। ठीक, जैसे ये कंप्यूटर है और हम यूजर हैं, तो हम कंप्यूटर से डायरेक्टली कोई काम नहीं करा सकते हैं, कंप्यूटर से काम कराने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हमसे टॉक करेगा, तो बाय प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस, एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिसमें कि यूज़र अपना जो भी वर्क है, अपना जो भी फीलिंग्स है, वो उस पर लिख दे या फिर कंप्यूटर तक पहुंचा दे। तो अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेस एप्लीकेशंस सो डैट यूज़र कैन ईजिली एक्सेस, यूज एंड स्टोर देम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सभी एप्लीकेशंस को ऑर्गेनाइज करता है, जिसे यूजर
ईजिली एक्सेस कर सके, स्टोर कर सके। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये स्टेबल कंसिस्टेंट वे प्रोवाइड करता है यूजर को, ताकि एप्लीकेशन अच्छे से हार्डवेयर को डील कर सके, ठीक है। कोई ऐसा एरर ना डेवलप हो, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम कोई एप्लीकेशन अगर यूज करते हैं, जैसे म्यूजिक प्ले करने का हम एक मीडिया प्लेयर को यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम मीडिया प्लेयर को ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक प्ले का बटन होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा और म्यूजिक बजने लगेगा, साउंड आएगा। तो ये साउंड कहाँ से आ रहा है, स्पीकर से आ रहा है, ठीक है। तो हमने प्ले पे क्लिक किया तो म्यूजिक ऑन कैसे हो गया, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड भेजता है हार्डवेयर को कि आपको प्ले करने के लिए कहा गया है सिस्टम के द्वारा, तो स्पीकर क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कोई भी एप्लीकेशन है म्यूजिक प्ले करने का, जैसे मीडिया प्लेयर, तो उसको तो वो तो अलग अलग, एक म्यूजिक प्ले करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारे टाइप के एप्लीकेशन होते हैं। सभी टाइप के एप्लीकेशन को आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में तो पता नहीं है, उनको तो नहीं पता है कि किस कंपनी का स्पीकर लगा है, वो स्पीकर कैसे काम करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे एप्लीकेशंस को जो हार्डवेयर होता है उसका इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, जैसे स्पीकर का इंफॉर्मेशन, पोर्ट नंबर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वो एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता है। और इस प्रकार एप्लीकेशन जो होता है वो हार्डवेयर को यूज़ कर पाता है। अब देखिए अगर कोई प्रोग्राम अच्छे से नहीं फंक्शनिंग कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक एरर मैसेज को डिस्प्ले किया जाता है सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम हमने बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, उसके बाद यूटिलिटीज होते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और उसके बाद कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, ठीक है। यूज़र सबसे, यूज़र किसको यूज करता है, तो यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम में हमने जाना था कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो यूज़र जिस भी सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेगा वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो सिस्टम यूटिलिटीज को यूज करते हैं, और सिस्टम यूटिलिटीज के हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम तक मैसेज भेजा जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम से, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फर्दर कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करता है उस हिसाब से जिस हिसाब से एप्लीकेशन प्रोग्राम में, प्रोग्राम ने इंस्ट्रक्शन को भेजा है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो कुछ इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज करता है और एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ओके। एक इंटरफेस को प्रोवाइड करता है, और हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है उसको हमने जाना, और इंटरफेस कैसे प्रोवाइड करता है इसको हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ अवेलेबल होंगे। नया टॉपिक क्या है वो हमने कंटेंट में लिखा दिया है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को देखने से पहले इस वीडियो लेक्चर को आप एक बार रिवीजन ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।